ये क्यों चुना हुआ, ये जानकारी को बहुत महत्व दिया गया सर्वेक्षण क्या है? हर बात देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, ऐसे लोग बाल विवाह कर देते हैं समय से पहले, चाहते हैं कि इसकी शादी विवाह कर दे, जो ऐसा ना हो इसके लिए हम है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, समय समय पर हम लोग की जो जानकारी मिलती है उसके द्वारा जो संबंधित गार्जियन है उनको हम लोग बुलाकर काउंसलिंग करते हैं, फिर अवेयर करते हैं कि समय जब समय लड़का लड़की का हो जो निर्धारित किया गया है उसी उम्र में उनकी शादी विवाह संपन्न कराए। तो इस प्रकार हमारा मद निषेध हो गया, बाल विवाह हो गया, ये सब कार्यक्रम जो है आपके लिए चल रही है। बाद कार्यक्रम में मनिका बिशनपुर चांद के पंचायत में माननीय मुखिया जी के द्वारा जो भी बात रखा गया उसमें मैं अपने डिपार्टमेंट यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत योजना का उद्देश्य, योजना में किस किस तरह के कार्यों को किया जा सकता है और आम जनों के द्वारा कौन कौन सा कार्य का लाभ लिया जा सकता है इसके संबंध में मेरे द्वारा बताया गया है और कुछ जीविका दीदी लोग भी उपस्थित थी, उनके द्वारा पशु शेड बकरी शेड के विषय में भी जानकारी प्राप्त की गई है। अपना परिचय? मेरा नाम मनोरंजन कुमार रंजन हुआ, मैं कार्यक्रम पदाधिकारी मुसारी। आज मुख्य रूप से जनसंवाद मनिका बिशुनपुर चांद में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार जी उपस्थित थे और मनरेगा पदाधिकारी पीओ रंजीत कुमार उपस्थित थे और स्वास्थ्य विभाग से आए हुए प्रभारी उपस्थित थी, शिक्षा विभाग से उपस्थित थी, इसके बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के यहाँ से भी एक सुपरवाइजर यहाँ उपस्थित थी और बिजली डिपार्टमेंट से भी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, थाना अध्यक्ष मुशहरी भी यहाँ उपस्थित थे। तो हम समझते हैं कि विभाग के जितने भी कर्मी हैं वो सभी लोग यहाँ लगभग उपस्थित थे और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है समाज के बीच जो कार्य होना है उसमें सहमति बना करके एक दूसरे का सहयोग लेकर के विकास को तेजी से आगे करना है। अपना परिचय? अरविंद कुमार सिंह, मुखिया मनिका बिशुनपुर चांद। मनिका बिशुनपुर चांद में जनसंवाद कार्यक्रम चला है, उसमें सभी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी कर्मीगण यहाँ पर आए हैं, कैंप लगाया गया है ताकि लोगों को जो समस्याएं पंचायतों में होती है उसके लिए उन्हें प्रखंड के चक्कर ना लगाना पड़े, उन्हें जानकारी पूरी योजनाओं की दे दी जाए और जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका त्वरित निराकरण किया जाए। जनसंवाद में क्या कुछ जनता की तरफ से कुछ शिकायत वगैरह ऐसा कुछ है? जनता की तरफ से जो मूलभूत चीज़ें हैं उसके बारे में उन्हें बताया गया है और कुछ कुछ चीज़ें स्वास्थ्य से संबंधित या आंगनबाड़ी से संबंधित जो इश्यूज हैं उन पे उनके द्वारा प्रकाश डाला, शिक्षा में कहा गया है कि कुछ कमियां हैं उसे पूरा करना है और हम लोग सभी पदाधिकारीगण यहाँ दृढ़ संकल्पित होकर आए हैं कि जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण कर लें। अगले 15 दिनों में फिर से एक कैंप लगाया जाएगा इसी पंचायत में और संबंधित का वृद्धा पेंशन का हो गया हो या श्रम विभाग का हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, आयुष्मान कार्ड में का रजिस्ट्रेशन होना हो, इन सब का कैंप करवा के जो बचे हुए लोग हैं उनका हम लोग कार्य कर। मेरा नाम चंदन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी मिश्रा। आज मनिका बिशुनपुर चांद में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें BDO साहब समेत प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ उपस्थित हुए। सारे पदाधिकारियों ने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी आम जनों को दी और ये बहुत ही मतलब अच्छा कार्यक्रम रहा और इसका मतलब उद्घाटन से लेकर समापन तक अच्छा से सब कुछ समाप्त हो गया। इसमें जानकारी दी गई लोगों को और उम्मीद है कि लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठाएंगे। क्या अपना परिचय? मैं श्रम परिवर्तन पदाधिकारी प्रखंड मुसहरी। जो आपको दिखाता है सच का आईना।